दोस्तों मार्केट में जितनी भी चाइनीज ओसी मशीनें मिल रही हैं और जो भी हो सकता है आप यूज़ भी कर रहे हो, उनके अंदर फोल्डर क्यों टूट जाते हैं? और हमारी इंडियन ओसी मशीन के अंदर कोई भी फोल्डर आप फिक्स करें क्यों नहीं टूटता? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट दोस्तों हमें आए हुए थे जिसमें हमसे पूछा गया था, व्हाट्सएप पे भी लोगों ने हमसे पूछा कि सर आप हमारी इस मशीन के अंदर जो इंडियन ओसी मशीन है जो कि बहुत कम प्राइस की है, इसमें आप एलईडी फोल्डर फिक्स करके हमें दिखाइए। तो उन लोगों की डिमांड पर आज मैं आपको ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम एक एलईडी फोल्डर जो कि सबसे कमज़ोर फोल्डर माना जाता है, जो चाइनीज़ मशीनों में 50% टूट जाते हैं या फिर उनमें लाइनिंग आ जाती है, तो उन फोल्डर को हम आज इस मशीन में फिक्स करके आपको दिखाएंगे। तो और ये भी आपको बताएंगे कि क्यों चाइनीज़ ओसी मशीनों में फोल्डर टूटते हैं और हमारी मशीन में क्यों नहीं फोल्डर टूटते हैं। स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले दोस्तों आपको हम ये कारण बताएंगे कि चाइनीज़ ओसी मशीनों के अंदर एलईडी डिस्प्ले क्यों टूटती हैं। अब जैसे कि ये एक सैमसंग का फ़ोन है हमारे पास, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर एलईडी डिस्प्ले लगी हुई है। ये डिस्प्ले काफ़ी कमज़ोर होती हैं, काफ़ी नाजुक होती हैं, और चाइनीज़ ओसी मशीनों के अंदर ये क्यों टूट जाती हैं दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा पहला कारण है दोस्तों वो ये है कि चाइनीज़ मशीनों को ये नहीं पता कि उसके अंदर आपने कोई नाजुक चीज़ रखी है या कोई हैवी चीज़ रखी है। उसका काम सिर्फ पंच करना है और पंचिंग के दौरान ही फोल्डर टूटते हैं या उनमें लाइनिंग आ जाती है। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि चाइनीज़ मशीनों में आपने एक बार बटन दबाया, ऑटोमेटिक उसने पंच करना है, अपनी एक ही ताकत से उसे पंच करना है, चाहे आपने उसमें कोई नाजुक चीज़ रखी हो चाहे हैवी चीज़ रखी हो, तो वो सिस्टम सारा उसमें ऑटोमेटिक होता है, आपके हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता और मशीन को नहीं पता कि उसमें आपने क्या रखा है। लेकिन यहाँ पर जो ये हमारी मेड इन इंडिया ओसी मशीन है, इसके अंदर जो पंचिंग का कंट्रोल है वो हमारे खुद के हाथ में है, क्योंकि हमें पता है कि हमने कौन सा फोल्डर इसमें नाजुक रखा है, कौन सा फोल्डर इसमें मजबूत रखा है, तो उसी हिसाब से हम पंचिंग को भी लाइट और हार्ड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो वो मैं आज आपको प्रैक्टिकली इस मशीन में करके दिखाऊंगा, जो कि इस सस्ती मशीन के अंदर ये पूरे फीचर हैं जो कि किसी चाइनीज़ महंगी मशीन में ये फीचर नहीं है। तो दोस्तों ये जो एलईडी फोल्डर है, आज मैं आपको इसका ग्लास फिक्स करके आपको बताऊंगा, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके डिस्प्ले है, ये बिल्कुल ओके डिस्प्ले यहाँ पर है। इसका ग्लास हमने पहले ही काट दिया है, तो अब हम इसके अंदर एक ग्लास फिक्स करेंगे जो हमने पहले से यहाँ पर साफ करके रखा हुआ है। तो इस ग्लास को हम इसमें फिट करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कंट्रोल हमारे हाथ में कैसे है पंचिंग का। तो आइए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं, इसको सबसे पहले करते हैं फ़ोन को ऑफ। तो ये है दोस्तों बिल्कुल पतला सा, बहुत ही नाजुक फोल्डर, और इसके अंदर हम फिक्स करेंगे ग्लास। तो सबसे पहले इसके ऊपर हमने लगा रखी है दोस्तों ओसीए की जो पेपर होता है ओसीए, वो हमने लगा रखा है। तो उसके ऊपर का जो ये एक्स्ट्रा फिल्म होता है ना, ये जो पन्नी लगी होती है, इसको हमने हटाना है। तो इसको हमने हटा दिया है और अब बड़ी ही सावधानी से हमें ये ग्लास लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ओसीए जो है इसके अंदर ही बबल आए हुए हैं। अगर दोस्तों ओसीए अगर ढंग से नहीं लगी है या ओसीए की क्वालिटी बहुत ही बेकार है, तो उस कारण से भी कई बार फोल्डर में बबल रह जाते हैं, जिस वजह से हमें बबल रिमूवर में उन्हें ज़्यादा देर तक रखना पड़ जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि शुरुआत से ही आप ओसीए अच्छे से लगाएं ताकि बबल आने के चांस ना हो। तो अभी इसमें देखते हैं दोस्तों क्या होता है फिक्स करने के बाद, लेकिन अभी मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा कि अभी देखिए ठीक से लगा नहीं था, अभी मैं इसको बस लगा दे रहा हूँ ऐसे ही, और सही से वो बैठेगा या नहीं बैठेगा वो बाद में देखेंगे, और बीच से मैं इसको प्रेस करूँगा ऐसे, ठीक है। ओहो टीढ़ा लग गया दोस्तों, ये देखो। तो फ्रेंड्स को मैं पहले ही दिखा देता हूँ, ये थोड़ा बाहर की तरफ आ गया है, ये अंदर ये लाइनिंग आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये टेढ़ा हो गया है, पीछे से दिखाओ, ये देखिए ये टेढ़ा हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन हमें एक चीज़ देखनी है
कि भैया ये मशीन इसे तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, ठीक है, और इसका कंट्रोल कैसे हमने अपने हाथ में रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने फोल्डर को रख दिया इधर, एक बार दिखाओ लाके इधर। ये जो है इस तरह से आपने रखना है दोस्तों, ठीक है। और जिन भाइयों के पास हमारी मशीनें हैं उन्हें तो पता ही है कि किस तरह से काम करना है, वो तो काम करते ही हैं। उसके बाद कर देना है इस ढक्कन को बंद, उसके बाद मशीन को करके ऑन, वैक्यूम को कर देना है ऑन। जैसे ही वैक्यूम आप ऑन करेंगे वैक्यूम की सुई स्टार्ट हो जाएगी, और जब वैक्यूम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पंचिंग कैसे करनी है। तो ये वैक्यूम कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पंचिंग ऑन करेंगे। पंचिंग को कर दिया ऑन, अभी आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर कोई पंचिंग नहीं हुई है, हमने पंचिंग को एक्टिव किया है, सिर्फ पंचिंग को एक्टिव किया है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पंच करेंगे। तो चाइनीज़ मशीनों में क्या होता है, एक ही बटन दबाया उसने एक ही बारी में सारे काम कर देने हैं। अब हमें पता है कि इसके अंदर LED फोल्डर रखा हुआ है, तो अब हम इसकी जो पंचिंग है वो आराम से करेंगे। अब हम बिल्कुल प्यार से हल्की सी पंचिंग करेंगे इसको, बिल्कुल देख सकते हो आप दोस्तों ऊपर मैं हल्की सी पंचिंग करूँगा, ज़्यादा दबाव इस पर हम नहीं देंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये पंचिंग हो गई है, और अब हम इसको नीचे ले आओ, हल्का सा पंचिंग करके हमने इसको कर दिया बंद, ठीक है। अब बाकी काम है, अब इसको कर देंगे ऑफ, बबल रिमूवर का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पंचिंग यहाँ पे हो गई है, और अब हमने कर लगाना है इसको बबल रिमूवर के अंदर। इसके बाद कर देना है इसको ऑन, एयर कंप्रेसर को, और गेट को थोड़ा जैसे ही बाहर खींचेंगे वैसे ये सुई उठना जब शुरू हो जाए तो आप छोड़ दीजिएगा इसको। तो सुई धीरे धीरे, जब इसमें जो हमने कंप्रेसिंग सेट कर रखी है कंप्रेसर को, तो वहाँ पर जा कर के ये ऑटोमेटिकली अंदर जो मशीन है इसकी वो रुक जाएगी, जितना इसको दबाव चाहिए हवा का तो वहाँ पे आकर के ये मशीन रुक जाएगी। तो अभी ये जो वैक्यूम हो रहा है दोस्तों इसी इसके अंदर ये ले लेगा करीबन एक मिनट, यहाँ पर ये ले लेगा इसको पूरा अच्छे से कंप्रेस करने में। फिर उसके बाद 2-3 मिनट हम और इसके अंदर छोड़ेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। अभी मशीन में से एक आवाज़ आने वाली है, ये आवाज़ आई और ये सुई रुक गई। अब 2 से 3 मिनट बाद हम इस फोल्डर को बाहर निकालेंगे। देखिए
दोस्तों 3 से 4 मिनट के करीब हो गए हैं और अब हम देखते हैं निकाल करके हमारे फोल्डर को, और उसके बाद हम देखेंगे चला के कि वो ऑन होता है या नहीं होता है, यानी वो टूटा है या नहीं। तो अभी हम इसको कर देते हैं वैक्यूम को रिलीज, कंप्रेसर को रिलीज। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देख सकते हैं फोल्डर एकदम बढ़िया फिक्स हो गया है, कोई भी इसमें बबल नहीं आया है। अच्छा, ये साइड से जो मैंने स्टार्टिंग में गलती की थी ना, वो आपको दिखाया था, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर है। वो आपने मत आप तो नहीं करोगे, मुझे पता है, सही से अच्छे से टेबल पे रख के आप फिक्स करोगे। अब ये देखते हैं कि ये टूटा तो नहीं है। दोस्तों डिस्प्ले लगाने से पहले ना बैटरी का कनेक्शन हटा लेना पड़ता है, तो अब बैटरी का कनेक्शन हम करेंगे। डिस्प्ले लगा ली है और अब ऑन करके देखते हैं। जब बटन ना हो ना, तो हल्का सा गीला थूक करके, उंगली को गीला करके थूक से आप ऐसे टच करेंगे तो ऑन हो जाएगा सेट। ये ऑन हो गया। अब ये देखते हैं कि कहीं से कोई लाइनिंग तो नहीं आई है। लाइनिंग होती तो भी पता चल जाती। ये टच भी प्रॉपर काम कर रही है। हम देख सकते हैं टच वगैरह हर चीज़ एकदम ओके चल रही है। डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट है, कोई बबल नहीं आया और कोई भी डिस्प्ले पे लाइन नहीं आई। दोस्तों ये फ़ायदा है हमारी इंडियन OCA मशीन का, जिसमें कभी भी कोई भी फोल्डर नहीं टूटेगा, क्योंकि इसकी पंचिंग गैंग कंट्रोल हमारे पास है। क्योंकि मशीन को नहीं पता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो कंट्रोल अपने हाथ में रखने का ये फ़ायदा है। मैनुअल मशीन है, हमें अपने आप को पे भरोसा है कि हम इसे अपने आप ऑपरेट कर लेंगे,
किसी भी तरीके से कर लेंगे, जैसा फोल्डर डालेंगे वैसे ऑपरेट कर लेंगे, लेकिन चाइनीज़ मशीन में ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये कारण है चाइनीज़ मशीन चाहे कितनी महंगी हो फोल्डर तोड़ेगी, हमारी मशीन कभी भी फोल्डर नहीं तोड़ेगी, क्योंकि अब जो ज़माना है वो LED फोल्डर्स वाले जो मोबाइल है वो आ रहे हैं, तो उनके ग्लास बदलते हुए हमें अब हमारे पास ऐसी मशीन होनी चाहिए जो इनको भी आसानी से फिक्स कर सके। तो दोस्तों अगर आपको ये मशीन मंगानी है या इसका डेमो लेना है तो आप यहीं आकर के इंस्टीट्यूट में, हमारे राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दिल्ली आकर के आप चाहे तो ले सकते हैं इसका डेमो, और ये मशीन हमारे पास स्टॉक में हमेशा रहती है। और अगर आप इंडिया में कहीं भी बैठे हैं और अपने घर ही आपने मंगवाना है तो कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ आपको ये मशीन मिल जाएगी आपके घर तक पहुँच कर, आप कहीं भी होंगे वहाँ पर ये आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो और भी दोस्तों आपके कोई सवाल हो इस मशीन के बारे में या इसका कोई टेस्ट आपने लेना हो घर बैठे ही, तो आप हमें बताइए, हम उसका भी वीडियो बनाकर ज़रूर डालेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।